बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको सॉल्व करना है। उसने लिमिट कर दिया है, सम ऑफ भी करें और जो नंबर हैं उनका स्क्वायर भी हो और इक्वल जो है वो 77 भी हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसको लिखते हैं सॉल्यूशन। अब लेट किया, लेट किसको करेंगे? लेट हम करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स को। और कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? हर एक नंबर में हम वन ऐड करते जाएं तो उससे आने वाला नंबर जो है वो उसका कंसेक्यूटिव नंबर होता है। सो लेट करेंगे जी, लेट थ्री पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स। अब वो कंजेक्टिव नंबर क्या है जी? वो कह रहा है कि 3 हूँ, पॉजिटिव हूँ और कंजेक्टिव नंबर हूँ। तो एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अगर देखें ये हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इट्स अ 5। तो 5 में 1 किया 6 आ गया, अब 5 में 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर एक और नंबर लें तो x प्लस 3 करेंगे जो कि 5 प्लस 3 होगा और 8। तो इस तरह 5 6 7 8 ये टर्म चलती रहेगी और हम इसको बोलते हैं इट्स अ पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स। अब जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सम ऑफ सम भी करना है, स्क्वायर्स स्क्वायर्स भी लेने हैं। किसको सम ऑफ एंड स्क्वायर लेने हैं? जिसके वो है 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स जिनको हमने लेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स का स्क्वायर ऐड किया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस किया, एक्स प्लस 2 एंड इक्वल, वो खुद कह रहा है 77 के इक्वल भी हो। अब इसका भी स्क्वायर, क्योंकि 3 एग्जैक्ट नंबर्स को हमने स्क्वायर भी लेकर करना है, स्क्वायर में करना है और इनको सम ऑफ भी करना है। तो ये इसकी कंडीशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यानी कि एक्स प्लस 1 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू टाइम 4 प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल 0। अब 77 को मैं ले आया हूँ अदर साइड पे और इसकी साइन को चेंज कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, इसको मैं ऐड करता हूँ एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो ये आ जाएगा 3x स्केयर। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 1 प्लस 5, या फिर पहले x कर लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6x। अब 1 प्लस x माइनस 77, तो ये आ जाएगा माइनस 72 इज इक्वल 0। अब ये हमें फाइंड हो चुकी है 3x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल 0 कर दिया। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो इनटू में आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 2 टाइम 6 3 4 टाइम इज इक्वल 0। अब कॉमन लेने के बाद 3 इक्वल 0 और x²
प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये फैक्टर देखें ये माइनस 24 है तो 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल जीरो। आपने अंडरलाइन नहीं करना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें से कॉमन x कॉमन, x प्लस से 6 माइनस 4 कॉमन इंटू x, ये माइनस कॉमन ले लिया है प्लस आ जाएगा तो 4 6 टाइम 24 तो यहाँ पे 6 इक्वल जीरो कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें x प्लस 6 दोनों में है तो ये कॉमन होगा हमारे पास, तो x प्लस 6 इंटू में x प्लस माइनस 4 इक्वल जीरो, तो यह जगह x प्लस 6 इक्वल जीरो और x माइनस 4 इज इक्वल जीरो, तो x इज इक्वल माइनस 6 और x इज इक्वल 4। तो उसने जो हमें लिफ्ट किया हुआ है कि आपने जो कंजेक्टिव नंबर लेने हैं वो पॉजिटिव हूँ तो हमने इसको स्किप कर देना है। तो हम हमारा जो फर्स्ट नंबर आया है फर्स्ट सो फर्स्ट पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर वो क्या है जी, वो आया है 4। तो सेकंड पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर तो हमारे पास क्या था जी, सेकंड जो हमने लेट किया था वो था x प्लस 1, तो x हमारे पास क्या है 4, इसमें 1 ऐड कर देंगे इट्स 5। नाउ थर्ड पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर तो वो हम लेट किया था x प्लस 2, x हमारे पास 4 आया तो 4 प्लस 6 2 तो n इज इक्वल 6। दस अब हमारे पास 3 कंजेक्टिव नंबर जो हैं ये वो फाइंड हो चुके हैं तो इसको मैं अलग से भी लिखूंगा 4 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास देख लें पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर हैं और वो 3 हैं जो कि 4 5 6। अब चलते हैं वापस से एक बार स्टार्ट से ताकि डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ये देखें ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि स्टार्ट से करते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। वो कह रहा है कि सम ऑफ भी करें स्क्वायर भी लें, किसका जी, वो कह रहा है कि 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स का और वो इक्वल होगा 77 के और उन नंबर्स को भी हमने फाइंड करना है। लेट 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स को लेट किया x x प्लस 1 एंड x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो कह रहा है कि सम ऑफ भी करें और उनका स्केयर भी हो, ये देखिए मैंने सम ऑफ भी किया हुआ है और ये इसका इनका स्केयर भी है जो मैंने लेट किया था। अब इसके स्केयर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आया 77 को लाएंगे अदर साइड पे, इसकी साइन को चेंज किया ये माइनस में आ जाएगी, इक्वल जीरो कर दिया, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल जीरो कर देंगे। इसमें से 3 को कम लेंगे और 3 को इक्वल जीरो के कैंसिल कर देंगे और बाकी बच जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 24। इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद हमें जो x की वैल्यू फाइंड होगी वो होंगी x माइनस 6 एक्स 4 प्लस में। तो डियर स्टूडेंट्स वो खुद से कह रहा है कि पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर होने चाहिए तो माइनस को हम स्किप कर देंगे छोड़ देंगे और ये हमारा फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर आ गया तो इसमें 1 ऐड करेंगे जो हमारा सेकेंड होगा और इसी नंबर में हम 2 को ऐड करेंगे जो हमारा थर्ड कंजेक्टिव नंबर होगा। तो इस तरह हमारे पास 3 कंजेक्टिव नंबर जो पॉजिटिव में होंगे वो 4 5 6। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। याद रखें इलम फलाना जो है वो सदका जारिया है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।